हे गाइस, तो कैसे हो यार सभी लोग। यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ने यूपी स्टूडेंट को एक बहुत ही बढ़िया चांस दिया है। जो भी आपने रजिस्टर करते समय अपना डॉक्यूमेंट्स दिए थे, अपना डाटा दिया था, अपना नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम और भी कई सारा इन्फॉर्मेशन दिया था, वो आप लोग जानते हैं कितना इंपॉर्टेंस होता है। कुछ भी मिस्टेक हो गया तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो यूपी गवर्नमेंट यहाँ पे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए काफ़ी बढ़िया चांस दिया है। 14 जून और 15 जून ये दो दिन का समय है जिसके अंदर आप अगर कोई भी मिस्टेक किए हैं ये डाटा देते समय, रजिस्टर करने के समय, तो उसको आप करेक्शन कर सकते हैं। यानी कि सपोज करिए यदि आपके नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, आपके फादर्स के नेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, या फिर कुछ भी मिस्टेक हुआ है, या फिर आपके मदर्स के नेम में कोई भी मिस्टेक हुआ है, तो आप 14 और 15 जून को अपने स्कूल से कॉन्टैक्ट करके इसको करेक्ट करा सकते हैं, जो कि काफ़ी कम स्टूडेंट को मिलता है। हम लोग को टाइम तो नहीं मिला था। और यदि आप अभी नहीं करा पाएंगे तो रिज़ल्ट आने के बाद इसको करेक्शन कराने में आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, काफ़ी टाइम भी लगता है। आप लोग जानते हैं सरकारी काम में कितना टाइम लगेगा और साथ ही काफ़ी पैसे भी खर्च हो जाते हैं। तो यदि आप इस दो दिन के अंदर उसको करेक्ट करा लेते हैं तो आपको इन सारी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। जल्दी से अपने स्कूल से कॉन्टैक्ट करिए और जो भी आपके नाम में कोई मिस्टेक है उसको करेक्ट करा लीजिए, या फिर यदि आधार से मैच नहीं करता है तो आधार से मैच करा लीजिए, क्योंकि आधार से मैच होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आपको बना के दे दूँ। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग किस टॉपिक पे बात करें ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।